गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 5। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक जगह। हमने किसी भाई से बिरयानी सिखवाने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट किया था काफ़ी टाइम से कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपका मतलब हुनर दिखाना चाहते हैं कि आप कैसा बिरयानी बनाते हो। काफ़ी लोग आपसे टेस्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को, तो आज आपको दिखाएंगे उनकी कैसे बनाते हैं वो। तो पहुँचते हैं फिर सीधा शॉप पे, फिर आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम आ चुके हैं भैया की शॉप पे और काम आते ही चालू हो गया। ये हमारे भैया आते हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी काम चालू हो गया प्याज कटिंग का और बाकी वीडियो हम आपको दिखाते जाएंगे कैसे कैसे क्या बनता है और कैसे काम बनता है। बाकी माल हमारा आ गया पूरा, आप देख सकते हो सामने। फैल रहा है ना, निकल नहीं पाएगा। ये हमारा काम चालू हो गया है, आप देख सकते हो। ये अभी सिर्फ प्याज भूजने के लिए ये वाला ऑयल यूज किया जा रहा है, नहीं तो बाकी हमारे भैया का भी अच्छा ऑयल यूज करते हैं। सिर्फ ये प्याज भूजने के लिए ऑयल है ओनली। ये अब जा रहा है इसमें प्याज में, प्याज और उसमें रिफाइंड में फ्राई होने के लिए, देख सकते हो। प्याज 60% हो चुका है, देख सकते हो आप। अब आपको दिखाते हैं इसमें मेकिंग क्या क्या रहता है। ये है ग्रीन चिली और रेड चिली, क्योंकि येलो मिर्च नहीं डाली जाती, जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। ये हमारा 60% फ्लेम हो चुका है, इसे हम फास्ट फ्लेम पे यूज़ कर रहे हैं प्याज को। ये हमारा प्याज हो गया है कंप्लीट फ्राई, देख सकते हो आप। ये हमारा निकाल लिया है प्याज, ये अब हमारा चालू हो गया। मेन फार्म पे आ गए हैं और ये हमारा बड़ा भगोना रख गया है। सबसे पहले इसमें जाएगा पानी, पानी भी अच्छा क्वालिटी का यूज होता है, पानी भी फिल्टर्ड है आरओ प्लांट का, कोई समर का नहीं है पानी। पानी भी अच्छी क्वालिटी का ताकि ग्राहक भी संतुष्ट रहे हमारी चीज़ों से। ये हमारा 50% पानी बॉयल हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया हम दिखाएंगे आपको। ये जा रहा है टाटा सॉल्ट, अब ये हमारा सब मिक्स हो गया है। इसमें रेड चिली, नमक और ग्रीन चिली है, ये डाल दिया पानी में, देख सकते हो। और ये है हरी मिर्च कटी हुई, कटी हरी मिर्च और नींबू, ये जा रहे हैं खड़े मसाले, ये सारे खड़े मसाले मिक्स हैं। ये सबके घर में मिल भी जाते हैं, आप देख सकते हो सारे खड़े मसाले हैं। ये इसमें सब डाले जा रहे हैं और इसको हल्का सा मिलाया जाएगा ताकि से सब कुछ मिल जाए, नमक, लाल मिर्च और ग्रीन चिली। अगली प्रक्रिया होगी इस पे चिकन की, गर्म होने के बाद चिकन आप देख सकते हो कितना साफ
टॉप क्वालिटी में है, आपको दिखा देता हूँ। अब उबाल आ गया है, एक उबाल के बाद फिर इसमें चिकन डाला जाएगा। ये देखो उबाल आ चुका है, अब इसमें धीरे धीरे चिकन साइड से चिकन डल गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा चावल डलेगा, अभी देखते हैं, थोड़ा चिकन चलाएंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या है। और ये हमने इसमें चावल मिक्स करना है, अभी हमने चिकन डाल दिया है, देख सकते हो आप। और ये चावल भिगो के डाल रखा था हमने 2 घंटे पहले, अब ये चावल इसमें डाला जाएगा, निचोड़ा जाएगा पानी, देख सकते हो आप। चावल भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, गोल्डन चावल है, आप देख सकते हो। ऐड हो रहा है चावल, आप देख सकते हो, चावल भी गोल्डन वाला है, अच्छी क्वालिटी का। ये आप देख लो, चावल इसमें ऐड हो गया है, चिकन हम पहले डाल चुके थे और सारे मसाले आपको दिखा दिए थे आगे। चावल डल चुका है पूरा, अब इसको थोड़ा शेक करेंगे, मिलाएंगे मतलब। अभी चावल को मिलाया जा रहा है, चिकन और चावल सब मिक्स है। देखो आप, चिकन ऊपर आ गया है, चावल नीचे आ गया है, क्योंकि चिकन हमने बहुत पहले डाल दिया था। अब इसको हम ढक देते हैं 10 से 15 मिनट तक, हाई फ्लेम, आग तेज। ये नमक मिर्च देखा जा रहा है, और ये देख सकते हो, इसको हल्का हल्का चलाया जाएगा ताकि चावल बिल्कुल लगे नहीं नीचे, और सब चीज़ मिक्सर में आ जाए अच्छे से, देख सकते हो आप। कुछ पीस कस्टमर की वजह से अलग किए जाते हैं, ये देख लीजिए आप, पीस निकालना भैया, दो पीस निकाल दिखाना। ये देखिए, ये लेग पीस है, ये देखिए पीस, ये देख रहे हो। अभी हमारा बस रेडी होने वाला है, दम पे चल रहा है, और ये बिरयानी का लास्ट दम लगाया जा रहा है, दम पे लग रही है, ये दम पे लगाई जाएगी अब लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट, देख सकते हो लो फ्लेम है काफी, 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा जाएगा। अब ये बिरयानी को लास्ट दम है इसका, हटर देख रहे हैं इसको, ये देखिए आप, एकदम एक नंबर। ये डाला जा रहा है इसमें फूड कलर, इसमें आपका है केवड़ा और गुलाब जल, हाँ देख सकते हो। ये हमारी बिरयानी सजा दी गई है, ये है इसमें थोड़ा भुना प्याज डाला जाएगा ऊपर से, अभी 5 मिनट और रखी जाएगी। पानी को देखा जाता ये है वो रिफाइंड, ये हमने बिरयानी के ऊपर डालता है ताकि हमारी बिरयानी शाइन मारे अच्छे से, आप देख सकते हो। हमारा काफी अच्छा शाइन दे रहा है चावल,
आप देख सकते हो एक एक चावल आपको बारीकी दिखेगा। ये हो गई हमारी, आप देख सकते हो। अच्छा बताओ बिरयानी का टेस्ट कैसा है? एक नंबर बिरयानी है, बिल्कुल एक नंबर। तो हम यहाँ का आपको एड्रेस डाल देंगे, आपका लोकेशन पुट कर देंगे यहाँ से आपको, कि आपको कहाँ से किधर से आना है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।